हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स क्या है, उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, ये सब क्वेश्चन हमने 2.1 एक्सरसाइज में किए थे। आज उसी के आगे हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं, जिसमें आप पहला क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। पिछले एक बार हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, इसके आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें आपको पिछली बार हमने बताया था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के क्या फार्मूले होते हैं, एक बार और आपको मैं लिख के बता देता हूँ। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला था सम ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला होता था माइनस बी अपॉन ए, जिसको हिंदी में बोलते थे हम शून्य को का योगफल। और एक फार्मूला आपका यूज होगा इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फार्मूला होता था सी अपॉन ए। ये दो फार्मूले से आपके तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आपको आ जाएंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बताया गया कि सम ऑफ जीरोज इज गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन, यानी आपको यहाँ पर मूल शून्य को का योगफल दे रखा है और शून्य को का गुणनफल भी दे रखा है, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि आपको द्विघाती बहुपद बताना है। पिछली बार मैंने एक और फार्मूला बताया था आपको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता था। इसमें ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते थे या इंटीजर्स हो सकते थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ए बी सी के अगर वैल्यू हमारे पास हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, वी हैव टू गिवन सम ऑफ जीरोस, यानी आपको एक प्रकार से माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू कितना है, 1/4। ओके, उसके बाद में मेरा सजेशन है कि आप इसको थोड़ा सा गैप छोड़ दें, ताकि हम आगे की कंडीशन देखें कि ए बी सी की वैल्यू कैसे। एक क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद में वी हैव टू गिवन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन सी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस 1/1। ओके, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, इट इज़ सम ऑफ जीरोस, यानी ये आपको शून्य को का योगफल दे रखा है, और इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये आपको शून्य को का गुणनफल दे रखा है। अब ए पार्ट अगर हम देखें यहाँ, तो ए का वैल्यू 4 हो रहा है, जबकि यहाँ ए का वैल्यू 1 हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें थोड़ी गैप छोड़ दें। तो यहाँ हम ए का वैल्यू 1 देख रहे हो, यहाँ ए का वैल्यू 4 है। जब तक ए के दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन में क्लियर नहीं होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ना आपको। तो हम इसमें 1 को 4 बना सकते हैं। तो अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, सी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस 1/1, इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर देते हैं तो माइनस 4 हो गया है और अपॉन में 4, ये आ गया सी अपॉन ए का वैल्यू, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस बी अपॉन का वैल्यू भी कितना है, 1/4। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और ये कहूँ कि इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 में हम देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है, 4 है, ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो ए का वैल्यू तो हो गया 4। ओके, अब बी की कंपेरिजिंग करें तो माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, देयरफॉर बी का वैल्यू माइनस 1 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों तरफ माइनस का, इसलिए माइनस बी इक्वल्स टू 1 था, तो बी का वैल्यू हो गया माइनस 1। एंड सी, सी का वैल्यू कितना है, एंड सी, सी का वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस 4 है, सी का वैल्यू हो गया माइनस 4। अब आपने ए बी और सी तीनों वैल्यू जब आपके पास आ चुके हैं, तो आप अगर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है वो है आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ए बी और सी तीनों के वैल्यू आपके पास हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी के अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए का वैल्यू तो है 4, 4x स्क्वेयर, बी का वैल्यू है माइनस 1, इसलिए माइनस 1 इंटू एक्स, एंड सी इज माइनस 4। देयरफॉर इट इज़ फाइनली
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, आपको चाहिए था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में ए बी और सी के वैल्यू फाइंड करके और आपको पुट करना रहता है। एक क्वेश्चन में कुछ बातें आपको क्लियर हुई होगी, कुछ डाउट्स भी होंगे आपके मन में कि ए बी सी को फाइंड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो बातें आपको दे रखी, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको कंपेरिजिंग करने के समय ये देखना है कि ए के वैल्यू दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, वी हैव टू गिवन द सम ऑफ जीरोज इज रूट टू एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3। तो इस क्वेश्चन को करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू रूट टू अपॉन वन ले लेते हैं, और इधर चलते हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/3। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों इक्वेशन को हम एक साथ देखें तो ए का वैल्यू यहाँ 1 दिख रहा है जबकि यहाँ ए का वैल्यू 3 दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर जो नंबर कम हो उसको इक्वल करने की कोशिश करना है। जैसे ए का वैल्यू यहाँ 1 आ रहा है जबकि ए का वैल्यू 3 आ रहा है, तो 1 को हम 3 कैसे बना सकते हैं? अगर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 का, तो यह आया आपका माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू रूट टू अपॉन 1, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हम 3 से तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 3√2/3, ये 3। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 देते हैं इसको, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ए का वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं ए का वैल्यू 3 है। मीन्स इक्वेशन 1 and 2 वी हैव ए इक्वल्स टू 3, बी का वैल्यू हम देख रहे हैं माइनस बी इक्वल्स टू 3√2, देयरफॉर बी इक्वल्स टू माइनस 3√2, एंड सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू यहाँ से कंपेरिजिंग कीजिए आप, सी का वैल्यू है 1। ए बी एंड सी तीनों के वैल्यू जब आ गए तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फार्मूला यानी कि द्विघात बहुपद का फार्मूला है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू आप ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों की वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू आप देख रहे हैं 3 है, बी का वैल्यू है माइनस 3√2 एंड सी का वैल्यू है 1। ये अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये आंसर आया आपका 3x², फिर b का वैल्यू है माइनस 3√2x एंड c का वैल्यू अपने पास c का वैल्यू 1। देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यही आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। वी हैव टू गिवन सम ऑफ जीरोज इज 0, यानी यहाँ पर आपको शून्यकों का जो योगफल दे रखा है वो 0 है। मीन्स माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, 0/1 इज आल्सो 0, 0/1 भी लिख सकते हैं आप। अब इधर चलते हम √5 है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ √0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c/a इक्वल्स टू √5/1। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड इस क्वेश्चन में भी इसलिए करना पड़ा था कि a के वैल्यू दोनों इक्वेशन में अलग अलग जा रहे थे, यहाँ पर भी करना पड़ा। अब यहाँ देख रहे हैं आप इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है। a का जब वैल्यू दोनों इक्वेशन में इक्वल आ जाए तो फिर b और c के कंपेरिजन भी आप कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट a इज इक्वल टू 1 माइनस b इक्वल्स टू 0, दैट इज b इज आल्सो 0 एंड c, और c का वैल्यू है √5। जब a b c तीनों हो गए तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी द्विघात बहुपद, इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का वैल्यू होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी के वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू 1 है, 1 × x², बी का वैल्यू 0 है तो 0 × x, एंड सी का वैल्यू है √5। फाइनली आपका यही आंसर है, यही आपका द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस हुई होगी। इसको एक दो क्वेश्चन और है आपकी, इसी क्वेश्चन में 3 पार्ट मैंने करवाए, 2 पार्ट और हैं वो आप करें। ठीक है, थैंक यू।